अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नुमान हबीब। तमाशा सीज़न 3 बड़ा ही खूबसूरत जिसमें मेरी जर्नी रही है। और जब मैं इसमें आया था तो इतनी ज़्यादा चीज़ें सोची नहीं थी, बस मेजर जो मेरी प्योरिटीज थी उन्हीं को मद्देनज़र रखा। लेकिन ये जो 56 या 57 डे में मैं जो है एलिमिनेट हुआ, और मैंने तो शुरू में सोचा था कि यार एक महीना भी रुक गया तो बहुत है, क्योंकि इतना अरसा मैं अपने आप को जानता हूँ किसी के पास कि दूसरे अननोन लोगों के साथ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। ऐसे ही सोच रखी थी कि यहाँ पर प्लान्ड होता होगा शो और ये होता होगा वो होता होगा। यकीन माने कुछ प्लान नहीं होता। हम लोगों के चेहरे देखने के लिए तरस जाते हैं कि किसी का चेहरा दिख जाए, किसी की आवाज़ सुनाई दे जाए, घर वालों तक अपना मैसेज कैसे पहुँचाएं। मैसेज तक नहीं पहुँचाना, उनका मैसेज आता है। अगर जो है कोई कपड़े भेजते हैं उसके साथ जो है कोई छोटा सा आ गया लिखा हुआ आई लव यू या कुछ ऐसा, तो वो समझते हैं कि बस हमारे लिए ऐसा नोट है जो अगले कई जब तक रहेंगे उसी से हमने इसको गुजारना है। मेरे फैंस ने मुझे बचाया तो यकीन माने मुझे बहुत मतलब प्राउड फील हुआ उस दिन कि यार मुझे चाहने वाले लोग हैं जो मुझे बचा रहे। अभी भी जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं निकला हूँ तो वोट्स फैंस ने नहीं दिए, वोट्स दिए होंगे, लेकिन होता क्या है कि एक को अगर 100 वोट्स मिले हैं और एक को 99 मिले हैं तो 99 वाला जो है बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहने वाले कम। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो शो सबसे अच्छा खेल रहा है, जिसने घर को उठाया हुआ है और वो एनर्जेटिक इंसान है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो है अकील। मैं चाहता हूँ दिल से कि अकील मलिक इस शो के विनर हो। बादशाह सलामत की अच्छी बात यह है कि जब मैं उनको जो है चिकू भाई से पर्सनली मैसेज करवाता था कि भाई प्लीज़ मुझसे गलती हो गई है, गेम ख़राब कर दिया है, तो सबके बीच में आके डांटिएगा मत, मुझे बड़ा मैं सहम जाता हूँ, मैं जो है मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो जो अक्सर औकात सुन के जो है वो यही करते थे, जब आते थे तो बड़ा ख्याल करते थे और मुझे समझाते थे, क्योंकि सुख समझ में नहीं आ रही होती जब आप इतने अरसे से जो है एक ही जगह पर रह रहे हैं, वही चेहरे देखे जा रहे हैं, लूप पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनकी मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी।